मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग के बज रहे हैं 10, तो घर के तो कुछ भी काम नहीं हुए, तबीयत ख़राब हो रही है रात से। अचानक ही गले में बहुत ही दर्द हो रही है, भारी भारी सा हो रहा, रात भर सोई नहीं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो मैं जा रही थी हॉस्पिटल, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे गए हैं स्कूल, तो चलिए हॉस्पिटल में ही मिलते हैं आप सब लोगों से। तो दोस्तों, लगभग मैं पहुंच चुकी हूँ, मुझे सामने जाना है तिवारी हॉस्पिटल, जैसे कि तिवारी के यहाँ ये सामने है। चलती हूँ अंदर। तो दोस्तों, डॉक्टर को तो दिखा लिया है, ये सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। मैं जा रही हूँ नीचे, यहाँ करती हूँ मैं अपना टेस्ट, यहाँ पे होते हैं टेस्ट, टेस्ट करा के मिलती हूँ। तो मैंने टेस्ट करा चुकी हूँ, अब मुझे बाहर से लिखा है गले का, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा, इधर वो भी नहीं होता, तो देखती हूँ करा के आती हूँ। नीचे है स्टार वाले के यहाँ से करा के आना पड़ेगा। तो और टेस्ट तो हो चुके हैं काफ़ी, तो अब मैं डॉक्टर को दिखा के दूसरे टेस्ट बाहर से लिखे हैं जो उनको कराने जा रही हूँ। लिखा है नेक का अल्ट्रासाउंड और सर का सीटी स्कैन, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो नेक का अल्ट्रासाउंड होगा। देखती हूँ, यहाँ पे एक मुखानी चलाए थे बता रहे थे, वहीं पे जाके देखती हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मैं पहुँची थी हॉस्पिटल से दिखा के, ये भी ब्लॉगर है रजनी, उत्तराखंडी ब्लॉग है ये, तो ये मेरे चैनल इनको भी करना। और तो मैं जैसे दिखा के बाहर निकली थी, ये मिल गई, इन्हीं के हस्बैंड जी ने मेरे पर्ची लगा दी थी, तभी इसलिए ज्यादा जल्दी नंबर आ गया। क्योंकि मेरे हस्बैंड जैसी तिवारी में फार्मेसिस्ट है ना, हाँ, तो इसीलिए उनके उससे जल्दी नंबर आ जाता है। नहीं तो मैं यही बैठी रहती आज पूरा दिन, कह रही है लग नहीं रही है शकल से कि तबीयत खराब है, क्या शकल से नहीं लग रही है, तबीयत खराब है करके, बाहर से नहीं लगता ना इसलिए। तो दोस्तों, अब चलती हूँ मैं स्टार में टेस्ट कराने। ये कह रही एक जना साथ में चाहिए, कह रहे हैं मैं कह रही हूँ अकेले ही खाती हूँ। ये बोल रहे, मैंने कहा तुम अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लाई, ये बोल रहे पता नहीं कहाँ है वो। ड्यूटी पे है, ड्यूटी भी करनी जरूरी है ना, इसलिए। तो अब मैं चलती हूँ, तुम जाओ, बाय। तो दोस्तों, अब सीटी स्कैन करना है। मैं तो 4-5 हज़ार रुपये लेके आई थी, पैसे हो चुके हैं एक ही जगह खत्म, अभी सीटी स्कैन और नेक का करना है, तो पैसे खत्म, पैसे निकाल लेती हूँ, फिर चलती हूँ टेस्ट कराने। Thank you.
नेक का? हाँ हाँ, कितने का है सिटी स्कैन? 2000-3000 रुपये। अच्छा, और गले का? 3000-2000। भैया मुझे डर लगता है सिटी स्कैन कराने में, कुछ नहीं होता? मशीन में घुसाते हैं? अच्छा, खुला है। 8191-0-4। मुझे करना है 1 घंटे का वेट। सिटी स्कैन कराने में लगता है डर, 1 घंटे के बाद आएगा नंबर। दोस्तों फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर हॉस्पिटल से, रिपोर्ट सारी कल को आएंगी। कान आन के भी सब खुलवा दिए थे, सिटी स्कैन कराया था, तो अभी बच्चे भी नहीं आए हैं, 1:30 बजने वाला है, तो जब तक मैं बच्चों के लिए रोटी बना लेती हूँ, मॉर्निंग की सब्जी बची हुई है उसी के साथ खा लेंगे एमरजेंसी में। उधर को कुछ लगा भी नहीं था, मैं लेके आ जाती, मुझे लेट हो रहा था और धूप भी लग रही थी, तो बहुत परेशानी हो रही है, गले में सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। नेक का वो किया और सर का सिटी स्कैन किया और ब्लड टेस्ट भी करा रखे हैं, कल आएंगी रिपोर्टें, कल और जाना है। और तो ये ब्लॉग में बाद में करती हूँ, आज किट्टी में भी जाना है, देखती हूँ बच्चे आके खाना खिला के थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर किट्टी में जाते समय स्टार्ट करूँगी ब्लॉग में। तो हो चुकी हूँ मैं किट्टी के लिए रेडी, बच्चे छोड़ चुकी हूँ मैं ट्यूशन, अब चलते हूँ किट्टी में। आप सोचोगे तबीयत खराब है, तब भी किट्टी में जा रही है, तो मेरे दोस्त लोगों के साथ बाहर जाके जरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो अब सभी को मिलते हैं किट्टी में। चुके हैं अभी तो इतने ही आए हैं। ओ भैया देखो नींद निकाल ले आज, भैया भैया नींद निकाल लियो, ये आज आप आओगे। हाँ गाइज, आज भी हमारी किट्टी सुंदरम में है, यहाँ की सर्विस काफी अच्छी है, ये भैया भी काफी अच्छे हैं, ये ब्लॉगर हम साथ के ही हैं, एक ही गांव के हैं। हाँ एक ही गांव के हैं, कोट में मायका। क्या आप देखते, ये निकाल दो, इतनी है मैं भी लाओ रूबी, मेरा भी निकल गया, मेरा 48 भाई, पंचुअलिटी निकल ली है मेरी, निकल चुकी है, मैंने देख ली 75। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे, मेरी पंचुअलिटी इन्होंने निकाली है, थैंक यू। पंचुअलिटी निकल चुकी है आते ही 50 रुपीज। मैं गेम में जीती हूँ 50 जैसा सोचते हैं वैसी राशि बन जाती है हमारी, ठीक है राशि पर 90 रुपीज। मैट से इकट्ठी कर रही है, ऐसा क्या करेंगे।
नहीं पर मैट से करना नहीं है ये कैसे कर रहे हैं तिलिया कम है ना मतलब वो काउंट नहीं होगा एक ही तो निकाला था अभी उनका दोस्तों जैसे ही किट्टी खत्म हुई हम ऊपर आए काफी लोग स्वीट रूम बोलते हैं सुंदरम होटल में आज हम आए हैं स्वीट रूम देखने जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए काफी अच्छे अच्छे बने हुए हैं एक ये है और स्वीट रूम में बैक कैमरे एक डबल बेड लगा हुआ है एक ड्रॉर है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे टीवी लगी हुई है और ये वॉशरूम है इसमें भी काफ़ी स्पेस है बाथटब भी लगा हुआ है ये देखिए बाथटब भी लगा हुआ है काफ़ी अच्छा बना हुआ है तो यहाँ पे तो डबल बेड है एक ये है चलिए चलते हैं अगर किसी को हल्द्वानी आना हो रुकना हो तो ले सकते हो काफ़ी अच्छे हैं देखिए गाइज ये है सेकंड फ्लोर में गार्डन है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है प्यारा लग रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ हम काफ़ी समय से सारी किट्टियाँ इधर होती है लेकिन आए नहीं ये रहा सुंदरम का गार्डन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे पार्टी के लिए आप हॉल वॉल भी बुक कर सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा मज़ा आ रहा अब हम थोड़े यहाँ पे फ़ोटो खींच लेते हैं फ़ोटो तो खींचनी बनती है अंधेरा हो गया काफ़ी प्यारा लग रहा है ये मस्त गार्डन बना रखा है ये रहा ऊपर भी ओपन है ऊपर भी है सेकंड फ्लोर है फिर ऊपर छत भी है तो चलिए चलते हैं घर को मैंने कर लिया है कढ़ाई पनीर पैक अब क्योंकि रात हो चुकी है तबीयत भी ठीक नहीं है मिलते हैं आपको सीधे घर जाके ये रहा चारों ओर से सुंदरम का व्यू दोस्तों भैया हमको लेने आ गए हैं हम चलते हैं रुको उधर उधर उस साइड को जाना तुम आ रही हूँ ना तो चलो बैठ जाते हैं फटाफट ट्रैफिक है ट्रैफिक दोस्तों फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं घर आज लोग कह रहे थे तुझे हो क्या गया है नहीं हो रहा है कितनी भी कोशिश कर लो ना वो चेहरे पे रोने की नहीं आती मैंने सोचा घर जाके खाना कौन बनाया मैं कढ़ाई पनीर लाई हस्बैंड जी मैं आलसी वो डबल आलसी और खाना पैक करा के लिया है अब कुछ भी नहीं बनाना मैं ले ही आई थी मैंने सोचा रोटी बना लूँगी वो और लेके आ गए आज घर आ गए अल्मोड़ा ड्यूटी लगी हुई थी तो हस्बैंड जी फ्रेश होने चले गए हैं अभी आ रहे हैं वो तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय